अभी हम किताब का हम अगर किताब को देखें तो किताब के हमने तो शुरू के हमने चैप्टर्स कवर किए। इसके चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे से हैं। सो हमने बेसिकली चैप्टर वन चैप्टर टू कवर किया है। और अभी आगे जो चैप्टर्स हैं जंप लूप एंड कॉल इंस्ट्रक्शंस आईओ पोर्ट प्रोग्रामिंग, इसमें से हम ये पूरे क्योंकि किताब हमने हमने टोटल 4 से 5 हफ्ते के अंदर अंदर ये 8051 को ख़त्म करना है। और इफ़ आई नॉट रॉन्ग ये हमारा थर्ड वीक चल रहा है, तो वी डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट। तो हम इसमें जो काम की चीज़ें उनको कवर करेंगे और जो ऐसी चीज़ें जो कि आप बाद में जो मेजर चीज़ें इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कवर करेंगे। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी आप लोग मेरी ख्वाहिश होगी कि आप लोग लैब में उसको अच्छा परफॉर्म कर सकें। सो आई एम गोइंग टू जंप डायरेक्टली टू दिस हार्डवेयर कनेक्शन ताकि हमारा एक सिस्टम हमें पता चल जाए कि 8051 को कनेक्ट कैसे करते हैं। मुमकिन है आपने लैब में कर भी लिया हो, तो हम देखेंगे कि 8051 की मेजर पेंस कौन सी होती है, उसको कनेक्ट कैसे करते हैं। ये जब हम कर लेंगे देन विल जंप बैक टू सम ऑफ दीज थिंग्स। मे बी वी सी के हमारे पास टाइमर्स क्या होते हैं, सीरियल पोर्ट प्रोग्रामिंग क्या होती है, इंटरप्ट्स क्या होते हैं, और इनमें से जो एडवांस असेंबली लैंग्वेज के जो कॉन्सेप्ट हैं वो मैं कोशिश करूंगा कि बीच में जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है, रादर देन गोइंग स्टेप बाई स्टेप बिकॉज दैट्स गोना टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो ये जो चैप्टर है ये है ऑन पेज 199। सो आई एम गोना जंप फ्रॉम हेयर टू पेज 199, हार्डवेयर कनेक्शन एंड इंटेल हेक्स 5, राइट। सो आपकी जो 8051 है आप लोगों ने लैब में देखी होगी, इसके 40 पिन है। तो ये पिन 40 जो है इसकी VCC है और पिन पिन 20 जो है इसकी ग्राउंड है। बल्कि आप लोगों को मैं अगर स्लाइड सिखा दूँ तो स्लाइड में ज़्यादा क्लियर होगा। ये स्लाइड्स के जो आपके पास शेयर हुई हुई है उसमें ये वही द सेम IC 8951 जो आपके पास है उसमें पिन 40 VCC है, इसको प्लस 5 वोल्ट्स पे लगा देंगे आप, और पिन 20 जो ग्राउंड है। तो ये मेरे आपके मेन पावर कनेक्शन होंगे। उसके अलावा एक और कनेक्शन आपका ज़रूरी होता है, वो भी हम आपको बताते हैं, जिसको आपने पुल अप करना होगा। विल सी व्हाई हाई हाउ। तो ये आपके पास पोर्ट्स हैं, यहाँ पर पोर्ट 0 है आपके पास है 8 बिट का, फिर पोर्ट 1 है, पोर्ट 2 है और पोर्ट 3 है। पोर्ट 0 थोड़ा सा मुख्तलिफ है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्या चीज़ उसमें फ़र्क है उसके इस्तेमाल में। पोर्ट 3 जो है उसमें वो थोड़ा सा स्पेशल है। तो देखिए आपने मल्टीपल यहाँ पर पोर्ट भी लिखा हुआ है और कुछ यहाँ पर और भी इसके स्पेशल फीचर्स है वो भी लिखे हुए हैं। सो विल सी कि उनमें क्या फ़र्क होता है। ऑलराइट, ये जो आपके पास पिन है एक्सटेल, ये क्रिस्टल यहाँ पर होता है। ये आपके हमने डिस्कस किया किया था क्लास में कि जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो या जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो एक क्लॉक क्लॉक के ऊपर चलता है, यानी कि हर काम एक क्लॉक की एज के ऊपर करता है। एक जैसे कैसे किसी इंसान की हार्ट बीट होती है, तो ये इसकी हार्ट बीट यहाँ से हम जनरेट करेंगे। क्रिस्टल की फ्रिक्वेंसीज में आप इसको आपके पास जो 8951 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये 2024 MHz तक चल सकता है। तो आप मुझे नहीं मालूम कि आपके लैब में आपने किस किस फ्रिक्वेंसी पर चलाया था। तो यहाँ पर आपका क्रिस्टल लगेगा, वो कैसे लगाएंगे वो भी हम देखेंगे। और सो लेट्स प्रोसीड। फर्स्ट ऑफ ऑल बल्कि बल्कि मैं बुक पर चला जाता हूँ बिकॉज आई प्रेफर द बुक। ऑलराइट, सो ये आपकी बुक का वही चैप्टर है, मैंने खोल लिया, आपके पास किताब दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप क्रिस्टल लगाएंगे, आप क्रिस्टल जो है वो मैंने भी आपको सिलेशन में दिखाऊंगा इंशाल्लाह। हम 12 MHz का क्रिस्टल लगाएंगे। ये आपके पास 30 pF के दो उसमें कैपेसिटर लगेंगे, दोनों के आप अगर आप सिरेमिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें कोई पोलैरिटी नहीं होगी, सही है। अगर आप सिरेमिक कैपेसिटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी कोई पोलैरिटी नहीं होगी। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट नॉर्मली जो इतनी छोटे साइज़ के जो कैपेसिटर होते हैं हमें वो आपको नॉन पोलर ही मिलेंगे, यानी कि सिरेमिक मिलेंगे, सिरेमिक कैपेसिटर मिलेंगे। उसके एक साइड को आप ग्राउंड कर दें और दूसरी साइड को आप कैपेसिटर से लगा दें। तो ये आपका कैपेसिटर का कनेक्शन है, सॉरी आपका क्रिस्टल का कनेक्शन फ्रिक्वेंसी का। और ये वाला कनेक्शन की आपको उस वक्त जरूरत पड़ेगी जब आप कोई एक्सटर्नल ऑसिलेटर लगा लें, क्योंकि आप नहीं लगा रहे मेरे नील में, आप लोग क्लास में लगाएंगे तो इसलिए इसको इसको भी जस्ट स्किप दिस फॉर नाउ। रीसेट सेक्रेटरी बहुत ज़रूरी है। रीसेट सेक्रेटरी क्या करती है, अच्छा इसमें ज़रा देखिएगा गौर से। ये आपकी क्रिस्टल वाला पोर्शन आपने देखे होगा। लेट मी जस्ट ट्राई टू ड्रॉ ऑन द स्क्रीन इफ आई कैन। ओके, ये मैं स्क्रीन पे ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको आ रहा है नज़र? यस सर। ऑल राइट, सो ये जो आप देख रहे हैं किधर गया है, माउस गायब हो जाता है। अच्छा, ये आपके पास ये जो क्रिस्टल X1 X2 आपके पास क्रिस्टल का कनेक्शन है। यहाँ पर उन्होंने 11.0592 MHz का क्रिस्टल लगाया हुआ है। इस 11.0592 का क्यों लगाया हुआ है ये इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा जब हम सीएल पोर्ट पढ़ेंगे। सर ये होता क्या है क्रिस्टल क्रिस्टल?
क्रिस्टल होता है जो कि फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है, और उस फ्रिक्वेंसी के ऊपर आपका माइक्रोकंट्रोलर चलता है। एक स्क्वायर वेव इस क्रिस्टल के जरिए से, इस क्रिस्टल की फ्रिक्वेंसी के ऊपर एक स्क्वायर वेव जनरेट होगी इंटरनल, जो कि उस क्लॉक एजेस के ऊपर आपका माइक्रोकंट्रोलर काम करता है। माइक्रोकंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर सारे काम क्लॉक एजेस के ऊपर करता है, वो कॉन्स्टेंटली, वो एनालॉग सर्किट की तरह काम नहीं करता, क्लॉक के राइट ऊपर सर, काम करता है। राइट, राइट तो ये क्लॉक क्लॉक जनरेशन के लिए, जो इंटरनल क्लॉक जनरेशन के लिए आपको ये क्रिस्टल सर्किट चाहिए होगा। ठीक है, और बाकी जो आपके पास दूसरा एक और आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर, एक और सर्किट का पोर्शन यहाँ लगा हुआ है, ये आपके पास लगा हुआ है जो रीसेट सर्किटरी लगेगी, ये वही VCC है। लेकिन VCC लगा हुआ है यहाँ पर, एक कैपेसिटर लगा हुआ है 10 माइक्रोफेरेट का, यहाँ एक 8.2 किलो ओम्स का रेजिस्टर लगा हुआ है, और इन दोनों के बीच में से देखिए यहाँ से एक तार निकल रही है, और अभी देखें यहाँ पर आप देखें ये तार निकल रही है यहाँ से, और यहाँ से ये तार जा रही है इसके रीसेट के ऊपर, रीसेट पिन के ऊपर। तो रीसेट पिन क्या होता है कि आपके माइक्रो कंट्रोलर को इनिशियलाइज करने के लिए रीसेट किया जाता है। ये जो आपके पास करंट रीसेट सर्किटरी है, इसे कहते हैं पावर ऑन रीसेट। इसको कहते हैं पावर ऑन रीसेट, यहाँ पर देखने लिखा हुआ है पावर ऑन रीसेट, नहीं कि जब आप पावर ऑन हो उस वक्त रीसेट हो। ये काम कैसे करते हैं मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा कि इसका मकसद क्या होता है। ये आपके पास देखें यहाँ पर जो कैपेसिटर लगा हुआ है ना, ये आप कैपेसिटर का DC में जो जो बिहेवियर होता है, यानी कि आपसे यहाँ पर VCC तो फिक्स है, VCC तो आपने यहाँ पर 5 वोल्ट की लगाई हुई, सही है। तो 5 वोल्ट की VCC, तो यहाँ यहाँ पर आपके पास ये जो आप VCC लगाई आपके 5 वोल्ट की है, तो अब आपको मालूम है कि DC जो वोल्टेज है, अगर आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी हुई है, वो उसमें उसकी जो DC जो है वो करंट पास नहीं करता इसके बीच में से, सही है। तो अब इससे इस सर्किट में होगा क्या, अब देखिए जब आप इसको अंडर स्टेबल सर्कमस्टांसिस, जब 5 वोल्ट यहाँ पर है मौजूद, यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक, कैपेसिटर लगा हुआ है, और तो जो DC करंट है वो तो यहाँ से फ्लो नहीं करेगा, फ्लो नहीं करेगा, तो ये जो पॉइंट है ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। देखिए ये आपके पास यहाँ पर ये ग्राउंड है, और ये ग्राउंड के साथ रजिस्टर लगा हुआ है, और यहाँ पर ये पॉइंट है जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ये रेड सर्कल लगा हुआ है। तो इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये मेरा ओपन सर्किट है, क्योंकि कैपेसिटर विल डीसी सर्किट में कैपेसिटर विल एक्ट एज एन ओपन सर्किट, अगर ये ओपन सर्किट की तरह एक्ट करे, तो यहाँ पर जो वोल्टेज वही होगी जो कि यहाँ पर वोल्टेज है, यानी कि ये ग्राउंड ग्राउंड वोल्टेज, यानी कि यहाँ पर ग्राउंड होगा। तो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस आपके आपके रीसेट जो है वो ग्राउंड होगा, ठीक है। और आपका जो ये माइक्रो कंट्रोलर है, ये एक्टिव इसका जो रीसेट है वो एक्टिव हाई है, यानी कि जब आप यहाँ पर 5 वोल्ट देंगे तब ये रीसेट होगा, ठीक है। अब हमने ये जो सारा का सारा सर्किट आपके सामने बनाया है, इसका मकसद ये है कि ये जो रीसेट है ये थोड़ी देर तक वहाँ पर सस्टेन करे। जब आपका पावर ऑन, ये सर्किट क्या करेगा कि जब आप पावर ऑन करेंगे उस वक्त थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हाई सिग्नल आएगा, थोड़ी देर के लिए 5 वोल्ट आएगा, और उसके बाद ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। दोबारा आपको आपको बताता हूँ ये जो सर्किट है ये काम का काम क्या काम करेगा, वो कैसे करेगा, लेट मी जस्ट टेल यू। ये काम ये क्या करेगा कि थोड़ी देर की, जब आपके पास, जब आप पावर ऑन करेंगे, जब अपने सिस्टम में आप बैटरी लगाएंगे, तो थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट के ऊपर, ये जो पॉइंट है जो यहाँ से कनेक्टेड है, थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट के ऊपर हाई 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 सिग्नल आएगा, उसके बाद ये लो हो जाएगा, ठीक है। ऐसे एकदम से हाई आएगा, शार्प एज पे हाई आएगा, और फिर आहिस्ता 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 ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये फ्लैट नहीं होगा, थोड़ा सा कर्व भी बनेगा, तो वो हम देख लेंगे, वो कर्व भी बनेगी, इट्स नॉट फ्लैट। सो अब इसमें इसका जो साइंस है वो क्या है कि आप आपको मालूम है कि किसी कैपेसिटर की जो इम्पीडेंस है, वो जितनी आप फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे उतनी उसकी इम्पीडेंस कम हो जाती है, यानी कि वो हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर दिस कैपेसिटर एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट। आई विल रिपीट, हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर इस कैपेसिटर की इम्पीडेंस बहुत कम हो जाती है, एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट। तो जब आप VCC ऑन करते हैं, जब आपने कंप्यूटर को ऑन किया, जैसे आपने एक माइक्रो कंट्रोल था उसको ऑन किया, तो वो उसकी वोल्टेज 0 से 5 वोल्ट तक चली गई है। जब 0 से 5 वोल्ट तक जाएगी एक साथ, तो यहाँ पर ये जो चेंज है बहुत हाई हाई फ्रिक्वेंसी चेंज है, यानी कि 0 से 5 तक इन इन ऑलमोस्ट लेट से कपल ऑफ एक एक दो मिली सेकेंड के अंदर अंदर इतनी रैपिड चेंज आएगी। तो ये रैपिड चेंज जो है, दिस इज लाइक अ हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल। तो ये हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल यहाँ से पास कर जाएगा, और इस रजिस्टर के टॉप के ऊपर, यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज हाई हो जाएगी, ठीक है। लेकिन वो अब जब क्योंकि वो एक ही स्पाइक होगी, तो वो ज़्यादा देर तक हाई नहीं रहेगी। अब जब उसने यहाँ पर हाई होगा, तो यहाँ पर सिग्नल अब हाई सस्टेन करेगा, सही है। अब ये कैपेसिटर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्टडी स्टेट जो है वो उसके ऊपर आ जाएगा, हाई आएगी फिर अपनी
स्टडी स्टेट के ऊपर ये डिस्चार्ज होकर दोबारा जीरो के ऊपर आ जाएगा, तो इसकी कर्व कुछ ऐसे बनेगी जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ किया, कि थोड़ी देर के लिए हाई आएगा, फिर आहिस्ता 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 लो होकर ये जीरो हो जाएगा। तो इससे हमें क्या मिलता है, इससे ये हमें थोड़ी देर के लिए हाई सिग्नल मिलता है। जब भी आप अपने माइक्रो कंट्रोलर को पावर ऑन करेंगे तो थोड़ी देर के लिए उसको रीसेट का हाई सिग्नल मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक रीसेट सर्किटरी। ऑलराइट, अब इस रीसेट सर्किटरी के साथ आप बटन भी लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जब आप बटन लगाएंगे तो ये भी वही वही काम करेगा कि जब आप बटन दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पर अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस जब आपका स्टडी स्टेट 5 वोल्ट है आपके पास, बीसीसी आपने 5 वोल्ट लगाया हुआ स्टडी स्टेट, तो 5 वोल्ट जब तक आप लगाएंगे तब तक यहाँ पर 0 वोल्ट होगा, क्योंकि ये आपका ओपन सर्किट है, यहाँ पर ये डीसी है, कोई करंट पास नहीं कर रहा होगा, तो यहाँ पर वही वोल्टेज होगी जो कि ग्राउंड की वोल्टेज है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 वोल्ट होगी, लेकिन जब आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर थोड़ी देर के यहाँ पर एकदम से 0 वोल्टेज जो है वो एकदम से रैपिड चेंज आएगा, यानी कि यहाँ पर वीसीसी जो है वो यहाँ पर भी थोड़ी देर के लिए वीसीसी आ जाएगा, 5 वोल्ट यहाँ पर भी आ जाएंगे, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता कैपेसिटर और रेजिस्टर की जो आरसी जो टाइम है, टाइम कांस्टेंट, उसकी टाइम के मुताबिक आहिस्ता से डिस्चार्ज होकर दोबारा जीरो हो जाएगा। सो ये बटन से के दबाने से भी आपको क्या इफेक्ट मिलेगा, इफेक्ट ही मिलेगा जो पहले मिला था, कि थोड़ी देर के लिए हाई होगा और आहिस्ता ये डिस्चार्ज होकर लो हो जाएगा। तो ये हमारा रीसेट सर्किटरी, बस आपने इसका सर्किट याद रखें, आपको बटन लगाएं तो ये सर्किट, अगर बटन नहीं लगा रहे तो ये आपका रीसेट सर्किटरी आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। एक और इम्पॉर्टेंट कनेक्शन इसमें जो होता है वो होता है ईए का। ईए आपकी होती है पिन नंबर 31 ईए होती है, ईए होती है, इसे कहते हैं एक्सटर्नल एक्सेस। आपको 89C51 जो आपके पास चिप है उसमें आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ ऐसी चिप्स होती हैं जिसके अंदर इंटरनल प्रोग्रामेबल रॉम नहीं होती, ठीक है, जिस तरह ये वाली चिप है 8031, इसके अंदर इंटरनल रॉम नहीं होती, तो आपको प्रोग्राम जो आप अपने इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप राइट करने के लिए एक्सटर्नल रॉम लगाते हैं। ठीक है, तो आपने जब एक्सटर्नल प्रोग्राम रॉम लगाई हुई हो तो आप माइक्रो कंट्रोलर को बताने के लिए कि एक्सटर्नल रॉम लगी हुई है, आप ईए सिग्नल को लो कर देंगे। देखें ये एक्टिव लो है, ऊपर बार लगी हुई है, ईए सिग्नल इज एक्टिव लो। तो आपने अगर एक्सटर्नल प्रोग्रामेबल रॉम को इस्तेमाल नहीं करना तो आप इसको हाई कर देंगे। ठीक है, तो जैसे उन्होंने यहाँ पर देखे हाई किया हुआ इसको, 31 पिन को उन्होंने वीसीसी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ये इसका एक मेजर कनेक्शन है। अब पीएसईएन जो है ये भी इस्तेमाल होती है जब आपने एक्सटर्नल रॉम लगाई, तो इसलिए आप फिलहाल इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। पीएसईएन पिन को ये भी इज एन आउटपुट पिन, स्टैंड फॉर प्रोग्राम स्टोर इनेबल इन एन 31 बेस्ड सिस्टम। This pin is connected to the output enable of the ROM. जो आपकी external programmable ROM होगी उसकी output enable के साथ ऐसे connect किया जाता है, लेकिन आपके अभी संभाल में नहीं आएगी, आपको इसको connect करने की ज़रूरत नहीं है। सर वो EA से दोबारा से बताइएगा, EA से दोबारा से बता दीजिए। EA को आपने under normal circumstances आपने इसको high के साथ connect करना है, 5 volt के साथ, क्योंकि ये उस वक्त संभाल होती है जब आपने कोई external programmable ROM लगाई हुई हो। आप जब आप जो कोड लिखते हैं वो कोड आपका भी माइक्रो कंट्रोलर के अंदर सेव होगा, जो आपकी रॉम है वो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर है। अगर आपने बाहर रॉम लगानी है तो उस वक्त आप ईए को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आपको अभी उसको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, इसलिए आप ईए को इंडिकेट करने के लिए एक्टिव लो है ना, उसे हाई कर देंगे, उसको बीसीसी के साथ कनेक्ट कर देंगे, यानी 5 वोल्ट के साथ। ठीक है, आपके जो नॉर्मल सर्किट होगा उसमें आपने ईए को हाई के साथ कनेक्ट करना होगा। ठीक है, और इसी तरह ये पीएसईएन और एएलई ये सिग्नल भी उस वक्त इस्तेमाल होते हैं जब आपने एक्सटर्नल रॉम लगाई हुई हो, तो इसलिए फिलहाल हमारा इसका इस्तेमाल नहीं है। ठीक है, ये होता है, मैं आपको आई विल टेल यू लेटर ऑन, जब कभी इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, कि एड्रेस लैच इनेबल के आप की पोर्ट 0 जो है वो एड्रेस और डाटा दोनों के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो उसमें दोनों में डिफ्रिशिएट करने के लिए कि कब आपके पोर्ट 0 के ऊपर एड्रेस है और कब डाटा है, उसके लिए ये पिन इस्तेमाल होती है। ठीक है, कि आपका कब आपका माइक्रो कंट्रोलर उस पिन के ऊपर एड्रेस डाल रहा है या उस पिन के ऊपर डाटा डाल रहा है। ठीक है, तो उसके फर्क के लिए ये पिन इस्तेमाल होती है। अभी करंटली हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाद में वी विल सी। जैसे हमने बताया पोर्ट्स आपके पास 4 हैं, 0, 1, 2, 3। पोर्ट 0 के अंदर एक स्पेशल बात यह है कि आपके पास जो पोर्ट 0 है उसके अंदर वो इंटरनल पुल अप रेजिस्टर्स नहीं लगे हुए। पुल अप रेजिस्टर्स क्या होते हैं? पुल अप रेजिस्टर्स होते हैं जो कि किसी पोर्ट की को फ्लोट रहने से सेव करते हैं, यानी कि आपके आपके पोर्ट के ऊपर, जैसे हमने कहा था कि जो 0 और जो उसके अंदर कोई नोन स्टेट होनी चाहिए, अननोन स्टेट नहीं होनी चाहिए। यानी कि हमें याद है लॉजिक 0 और लॉजिक 1 के बारे में बात की थी। तो अगर आपकी पोर्ट के ऊपर
वोल्टेज जो है वो ना ना लॉजिक जीरो के बीच में है ना लॉजिक वन के बीच में है, तो वो फ्लोटिंग स्टेट कहलाती है। तो फ्लोटिंग स्टेट में आप अगर डाटा इनपुट या आउटपुट कर रहे हैं तो यू 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 कैन नेवर बी श्योर कि उसके ऊपर अभी वैल्यू क्या है। तो आप पिन पिन की वैल्यू को किसी एक वैल्यू पे सेट करने के लिए, किसी एक स्टेट पे सेट करने के लिए उसे पुल अप करते हैं या पुल डाउन करते हैं। आपकी पोर्ट, आपके 8051 की तमाम पिन्स जो हैं, जो पोर्ट पिन्स हैं, वो इंटरनली पुल अप हुई हुई हैं। जैसे आप पोर्ट वन पोर्ट टू यहाँ आपने डायग्राम शायद नहीं बनाया हुआ, लेकिन आपके पास जो पोर्ट वन पोर्ट टू हैं वो इंटरनली पुल अप हुए हैं। यानी आपके पोर्ट के अंदर आपकी माइक्रो प्रोसेस माइक्रो कंट्रोलर जो है उसके इंटरनली उन्होंने रजिस्टर के साथ उसको 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया हुआ है। यानी कि जब आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे तो आउटपुट पे वोल्टेज हाई होगी, 5 वोल्ट होगी। जब आप उसको रीसेट करेंगे, जब आप अपने सिस्टम को रीसेट करेंगे आप माइक्रो कंट्रोलर को, तो आपको पोर्ट वन पोर्ट टू पोर्ट थ्री के तमाम पिन्स के ऊपर आपको हाई यानी 5 वोल्ट मिलनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो इंटरनली पुल अप हुई हुई है। लेकिन पोर्ट जीरो में ऐसे नहीं होगा। पोर्ट जीरो को में अगर आपने चाहते हैं कि उसके ऊपर एक नॉन स्टेट आ जाए तो आप उसको एक्सटर्नली पुल अप करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है। अगर आप उसको एज ए नॉर्मल इस्तेमाल करें तो आप उसको एक्सटर्नल रजिस्टर लगा के वीसीसी के साथ कनेक्ट कर देंगे, इसको कहते हैं पुल अप। आप उसको और उस पोर्ट्स को पुल अप कर लेंगे। अच्छा, अब हमें आपको अच्छा पोर्ट थ्री के कुछ कुछ खास फीचर्स हैं। पोर्ट थ्री जो है आपके पास जो 8 बिट हैं वो ना सिर्फ के पोर्ट पिन के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है, उसके कुछ खास फीचर्स भी हैं। यानी कि RX TXD जो है ये सीरियल पोर्ट कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इंट जीरो इंट वन जो है वो एक्सटर्नल इंटरप्ट्स, इंटरप्ट्स क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे। सीरियल पोर्ट कम्युनिकेशन क्या होती है इंशाल्लाह वो भी हम पढ़ेंगे। तो सीरियल पोर्ट कम्युनिकेशन होती है एक्सटर्नल डिवाइसेस से कम्युनिकेट करने के लिए, और इंटरप्ट्स होते हैं कि आप कोई आप एक्सटर्नल किसी चीज डिवाइस के जरिए से आप माइक्रो कंट्रोलर को वेकअप करना चाह रहे हैं, उसको कोई काम कराना चाह रहे हैं, तो आप इंटरप्ट पिन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। T0 T1 टाइमर के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो भी जब टाइमर पढ़ेंगे वी विल सी। और राइट और रीड जो है ये एक्सटर्नल मेमोरी जब आप लगाते हैं उसके साथ कम्युनिकेशन में ये पिन इस्तेमाल होती हैं। तो इनके मल्टीपल फीचर्स हैं, इस पिन के पोर्ट थ्री के मल्टीपल काम है। एक तो ये कि नॉर्मल पोर्ट की तरह काम कर सकती है, आपने कोई इसमें इसमें LED लगा दी, कोई बटन लगा दिया, और इसके अलावा इसकी स्पेशल फीचर्स भी हैं, ठीक है। अच्छा, वन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मशीन साइकिल। अच्छा, ये जो दिए हुए दीज आर द रीसेट वैल्यूज, यानी जब आपका सिस्टम रीसेट होगा तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू जीरो होगी। ये डेटा पॉइंट पॉइंटर क्या होता है इंशाल्लाह विल बी लेटर ऑन। एक्यूमुलेटर की वैल्यू जीरो होगी। प्रोग्राम स्टेटस वर्ड ये भी हम देखेंगे इंशाल्लाह क्या होता है। PSW की वैल्यू जीरो होगी। और स्टैक पॉइंटर, जब हम स्टैक्स पढ़ेंगे विल सी के SP क्या होता है। SP की वैल्यू 7 होगी। 50 की इंशाल्लाह लेटर ऑन बाद में देखेंगे। ये B वो रजिस्टर है जो हमने देखा था, इसकी वैल्यू जीरो होगी। और पोर्ट्स हैं वो सारे के सारे उनकी वैल्यू FF यानी कि 1 होगी, पुल अप हुए हुए होंगे वो पोर्ट्स। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि मशीन साइकिल क्या होता है और उसका फ्रिक्वेंसी से क्या ताल्लुक है। अगर मिसाल के तौर पर आपने अपने माइक्रो कंट्रोलर को 12 MHz लगाया हुआ है, अभी हम इंशाल्लाह लगाएंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्लास में हम इसको कैसे कनेक्ट करेंगे। अगर आपने 12 MHz का क्रिस्टल लगाया हुआ है तो आपका जो मशीन साइकिल है वो एक्चुअली 12 12। अब आपने एक साइकिल जो होता है ना, एक साइकिल के अंदर अगर आपने वो असाइनमेंट वाला जो वीडियो मैंने आपको भेजी थी तो उसमें आपने देखा होगा कि आपके पास जो एक 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 मशीन साइकिल जो होता है उसके अंदर 3 बेसिक काम होते हैं। एक होता है फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट। तो ये जो पूरा का पूरा साइकिल है फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, इसको इट टेक्स सम टाइम, ठीक है। तो वो जितना टाइम लेता है उसको मशीन साइकिल कहते हैं, कि एक मशीन साइकिल कहते हैं जब वो फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट कर लेगा, यानी कि तो उसको कहते हैं एक मशीन साइकिल। तो आपके पास 8051 जो है वो 12 क्लॉक्स के, जो एक मशीन साइकिल इज इक्वल टू 12 12 क्लॉक साइकिल्स, ठीक है। तो अगर मैं इसको आपके सामने यहाँ पर लिखूँ तो आपके पास अगर मिसाल के तौर पर आपके पास 12 12 MHz का आपके पास अगर आपने क्रिस्टल लगाया हुआ है तो इसका, और आपके पास 12 क्लॉक साइकिल्स जो हैं वो एक मशीन साइकिल के बराबर होते हैं, तो आपका मतलब वो आपका एक मशीन साइकिल जो है वो 1 1 1 MHz का हुआ। यानी कि आपका जो एक इंस्ट्रक्शन जो है अगर 1 MHz का है, और अगर आपकी लेट से सारी इंस्ट्रक्शंस बराबर नहीं होती, जो हम लिखते हैं ना ऑल इंस्ट्रक्शंस, सारी इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन टाइम सेम नहीं होता। तो अगर लेट से हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक इंस्ट्रक्शन 1 मशीन साइकिल लेती है, तो आपके पास जो है वो एक आपके पास 1 मेगा 1 MHz पे आपका आपकी आपका मशीन मशीन साइकिल इज 1 1 MHz, यानी कि आपके पास एक इंस्ट्रक्शन जो है 1 माइक्रो सेकेंड में हो जाएगी। 1/1 मेगा बन जाएगा ना, 1/1 मेगा हो जाएगा, 1 1 माइक्रो, यानी कि 1 माइक्रो सेकेंड में आपका एक मशीन साइकिल इज 1 माइक्रो सेकेंड, ठीक है, 1 माइक्रो सेकेंड।
नहीं कि अगर आपकी एक जो स्मॉलेस्ट इंस्ट्रक्शन है वो आपकी 1 माइक्रोसेकंड लेगी एग्जीक्यूट करने के लिए। जैसे आपकी मूव इंस्ट्रक्शन है या ऐड इंस्ट्रक्शन है, अज्यूम करते हैं कि लेट से वो एक मशीन साइकिल लेगी, ठीक है। तो लेट मी रिपीट अगेन, मशीन साइकिल और क्लॉक साइकिल में क्या फर्क है? क्लॉक साइकिल वो है जो कि आपने एक्सटर्नल क्रिस्टल लगाया हुआ है जिस फ्रिक्वेंसी का वो क्लॉक साइकिल है। 8051 के अंदर जो मशीन साइकिल है वो क्लॉक साइकिल से स्लो होगा क्योंकि उसको काफ़ी सारे काम करने होते हैं अंदर, तो वो 12 क्लॉक साइकिल लेगा एक काम करने के लिए, एक मशीन साइकिल जो उसका है वो 12 क्लॉक साइकिल का होगा, ठीक है। तो उसका पढ़ेगा पीरियड ऑफ मशीन साइकिल वेरीज अमंग डिफरेंट वर्जन ऑफ 8051। 8051 के अंदर जो है 89C51 जो है ना वो 12 क्लॉक साइकिल्स की है। कुछ और भी है जैसा ये वाली जो है ये DS89C40X, ये जो है इसमें मशीन साइकिल और क्लॉक साइकिल बराबर है, ठीक है। तो ये फास्टर है, दिस इज मच फास्टर, लेकिन हमारे पास जो है उसमें दोनों में फर्क है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल यहाँ पर कुछ उन्होंने दिए हुए, ये एक एग्जाम्पल ही आप लोगों ने देखनी है, ठीक है। ये जो उन्होंने सॉल्व किए हुए, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस, नहीं हो तो मुझसे ट्यूटोरियल में पूछना कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यू शुड बी एबल टू, आपने ट्यूटोरियल से पहले पहले इन इन चीज़ों को जो मैं आपको क्विकली गो थ्रू करा रहा हूँ आपने इसको पढ़ना है, और अगर कोई मसला है तो आपने मुझसे पूछना है उसमें। अभी मैं आपको चला के दिखाना चाह रहा हूँ जो जो हमने काम अभी तक किया। आई वॉन्ट टू शो यू हाउ टू मेक इट वर्क। सो लेट मी ओपन कील और हम थोड़ा सा इसको एक इसकी सिमुलेशन चला कर देखते हैं, ठीक है। सो बल्कि ऐसे करते हैं, पहले मैं प्रोटीज खोलता हूँ, ठीक है। प्रोटीज में हमने ये जो अभी तक हमने सर्किट डिस्कस किया है इसको हम जरा इसकी इसको हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने काम किया हुआ है, किसी ने प्रोटीज पे, सब ने किया हुआ है, किसी ने किया हुआ है या किसी ने भी नहीं किया हुआ प्रोटीज के ऊपर काम किया हुआ? सबने किया, सब ने किया हुआ। अच्छा, तो मैं आपके पास बना बना सर्किट खोलूं या आपके सामने बनाऊं, बताइए। बनाए बनाए खोलें सर। अच्छा, लवली। तो इसमें हमारा टाइम बच जाएगा। सिंपल सा सर्किट है, अगर आपको उसमें बनाने में मसला है तो मुझसे आप ट्यूटोरियल में आके उसको डिस्कस करें, ठीक है। किसी को अगर मैं सिंपल सा सर्किट है मैं आपके सामने खोल देता हूँ, अगर आपके आपको आपके ख्याल में इश्यू होगा किसी को बनाने में तो मुझसे पूछ ले, हम इसको क्लास में या ट्यूटोरियल में उसको कहीं पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने निकाल लिया लाइब्रेरी में से 89C51 को निकाल लिया। यहाँ मैंने क्रिस्टल को मैं डबल क्लिक करता हूँ तो मैंने ये 12 MHz का क्रिस्टल लगाया हुआ है, ठीक है। ये 12 MHz का क्रिस्टल लगाया हुआ है। ये मैंने दो यहाँ पर अगर आप देखें इधर, ये देखें कि मैंने 233 pF के यहाँ पर मैंने कैपेसिटर लगाए हुए हैं। इनकी एक साइड मैंने ग्राउंड की हुई है और दूसरी साइड ये एक्स क्रिस्टल 1 क्रिस्टल 2 पे कनेक्टेड है। ये जो रीसेट की पिन है इसको मैंने यहाँ पर, यहाँ से कहते हैं ना, ये जो बोलते हैं कहते हैं इसको डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है, जो मैंने इसको यहाँ से क्या बोलते हैं इसको, यार आई डोंट नो, इसको मैंने यहाँ पर जो रीसेट सर्किट है वो मैंने यहाँ कनेक्ट किया हुआ। ये देख किधर गया, ये रहा, ये पॉइंट है रीसेट का, यानी कि ये जो पॉइंट है इसको मैंने तार यहाँ से खींच कर लगाने की जगह मैंने सिर्फ यहाँ पर इसको लेबल कर दिया, यानी कि लेबल लगा दिया। ये रीसेट जो की पिन जो है वो एक्चुअली यहाँ पर है, इन दोनों आपस में जुड़े हुए तार के जरिए से, ठीक है। ये वही रीसेट सर्किट है जो कि मैंने आपको अभी बताया था, यानी यहाँ 10 μF का कैपेसिटर है। उन्होंने किताब में 8.2 kΩ के मैंने 10 का लगाया हुआ है, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाकी EA जो है, EA पिन को आप उन्होंने डायरेक्टली पुल अप किया हुआ है, 5 वोल्ट से लगाया हुआ है, ये 5 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने इसको पुल अप कर दिया 10 kΩ से जस्ट टू बी सेफर, ताकि नॉइज वाला जो है वो कम हो जाए, ठीक है। और ये पोर्ट 0 है, पोर्ट 2 है, ये पोर्ट 3 है, ये पोर्ट 1 है। पोर्ट 1 की पिन 1 के साथ मैंने 220 ohms रजिस्टर लगाया और उसके साथ मैंने एक LED लगा दिया, ठीक है। और LED को मैंने जो इसकी एनोड है उसको मैंने 5 वोल्ट से लगाया हुआ है, और इसकी जो कैथोड है उसको मैंने वाया रजिस्टर पोर्ट 1.0 पे लगाया। अब मैं ये बताएं कि इसको ऑन करने के लिए मुझे पोर्ट 1.0 को हाई करना होगा या लो करना होगा? लो सर। ऑलराइट, सो लेट्स हम इसको अपना प्रोजेक्ट यहाँ से खोलते हैं, और प्रोजेक्ट में लेट मी जस्ट मेक अ न्यू प्रोजेक्ट। बल्कि हम कोई पुराना प्रोजेक्ट क्यों नहीं खोला था, उसी में थोड़ी सी चेंजेस कर लेंगे, हमारा टाइम बच जाएगा। जो हमने पुराने प्रोजेक्ट किए हुए हैं आप लोगों के साथ, उन्होंने कौन सा किया था, ठीक है। तो उसमें सारी गन भरी हुई है, चलो कोई बात नहीं, इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं, ठीक है। लेट मी जस्ट जूम इन अ बिट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम एक यहाँ पर लूप लगा लेते हैं, मैं इसको कहता हूँ फॉर एवर लूप मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, और यहाँ पर मैं करता हूँ कि मैं क्लियर पोर्ट 1.0, ये काम करना है कि हमें पोर्ट 1.0 को क्लियर करना है, ठीक है।
और फिर मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर जंप जंप कर देता हूँ, ठीक है। शॉर्ट जंप होता है, एस जंप और फॉरएवर, एस जंप फॉरएवर, ठीक है। आई थिंक दिस शुड वर्क। सो अगर मैं इसको बिल्ड करूं, अच्छा इसमें मैंने सेट किया हुआ है, इसमें देखना होता है इम्पोर्टेंट केस की जो टारगेट है। अच्छा इसको स्टार्टअप इसकी वजह से एरर आते हैं, जो स्टार्टअप है ना इसको आप निकाल भी सकते हैं। मैं उसको आई एम जस्ट डिलीटिंग इट। तो आप देखें यहाँ पर जो 3 वार्निंग्स आ रही है ना वो आपको नहीं आएंगी अगर मैं इसको अब मैं बिल्ड करूंगा। देखिएगा इसको, ये जो वार्निंग्स हैं वो गायब हो जाएंगी, वो उसकी हमें फिलहाल जरूरत नहीं। तो आप टारगेट पर राइट क्लिक करें और हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि इसमें हेक्स फाइल जनरेट हो रही है कि नहीं हो रही। आउटपुट पे हम हेक्स फाइल हो रही है जनरेट, सही है, हेक्स फाइल जनरेट हो गई होगी। तो हम इसको हम जाके लेट मी जस्ट बिल्ड इट अगेन जस्ट टू बी श्योर, बिल्ड टारगेट। और अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने इसको वो करना है, इसमें मैंने वो फाइल बर्न करनी है जो हेक्स फाइल वहां पर क्रिएट होगी होगी ना। आप देखिएगा यहाँ पर ये हेक्स फाइल है, ये पड़ी होगी, मैंने जो कोड लिखा है एमसीयू के अंदर, प्रोजेक्ट 4 था ना, इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स के अंदर ये देखें हेक्स फाइल। इस हेक्स फाइल को मैंने इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर बर्न करना है। तो इसको मैं यहाँ पर इसमें मैंने मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ पर देखें फोल्डर बना हुआ है, कौन सी फाइल है यहाँ पर डालनी है। तो मैं इसको मैं फाइल यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो फाइल मैं यहाँ से अपने T4 में गया, ऑब्जेक्ट्स में हेक्स फाइल मैंने सेलेक्ट कर दी और इसको यहाँ पर डाल दी, ठीक है। तो अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो इसको यहाँ से लाइट को ऑन हो जाना चाहिए, ठीक है, LED ऑन हो गई। ऑलराइट नाउ, अच्छा नाउ बिफोर वी, मैं इसमें एक और एडिशन करना चाहता हूँ, उसमें हम थोड़ी सी प्रोग्रामिंग सीख लेंगे। लेट्स ट्राई टू ब्लिंक दिस LED, ठीक है। हम इसको ब्लिंक करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने किया ये प्रोजेक्ट क्लास में, ब्लिंक ब्लिंक करने वाला भी प्रोजेक्ट किया आपने क्लास में, LED ब्लिंक करने वाला? सी में किया, सी लैंग्वेज में किया हुआ। अच्छा चले अभी हम इसको थोड़ा सा असेंबली में असेंबली में हम इसको देख लेते हैं ताकि आपको असेंबली में भी आ जाए समझ में, ठीक है। तो लेट मी जस्ट क्विकली, ओके मैं ऐसा करता हूँ, मैंने कोड लिखा हुआ है, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ ताकि हमारा थोड़ा टाइम बच जाए, ठीक है। लेट मी जस्ट ओपन द प्रोजेक्ट, सिंपल सा कोड है, आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू रादर देन टाइपिंग इट। टाइप करने में सारा टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा। राइट, सो लेट मी जस्ट जूम इन। ओके सो ये अगर आप कोड दिख रहे हैं हमारा, स्टार्ट से कोड ORG 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है, ठीक है। इसमें कुछ चीजों के ऊपर गौर करें, हम कुछ यहाँ पर नई चीजें सीख रहे हैं। क्या क्या नई चीज सीख रहे हैं हम? हमने फंक्शन क्रिएट किया है, वो फंक्शन क्रिएट करना सीख रहे हैं, ठीक है। ये एक फंक्शन है जिसका नाम है डिले। अब मैंने आपको बताया था कि आपके पास हर इंस्ट्रक्शन जो है ना वो कुछ वक्त लेती है, एटलीस्ट 1 मशीन साइकिल एग्जीक्यूट करने के लिए टाइम लेती है। तो मैं डिले पैदा करने के लिए, अब अगर मैं क्या करूं, अब देखें मुझे काम क्या करना है, मैंने पोर्ट 1.0 को क्लियर करना है और सेट करना है, काम मैंने ये करना है सिर्फ। देखें क्लियर करना है और फिर अगर मैं ये बीच में से हटा दूं और फिर सेट करना है और फिर बार बार फॉर एवर लूप चलाना है मैंने अपना। लेकिन अगर मैं ये काम करूंगा तो इतनी तेजी से ब्लिंक करेगी कि आपको नजर नहीं आएगा कि वो ब्लिंक करेगी, ठीक है। तो मैंने बीच में कोई डिले डालना है, ये मैंने फंक्शन यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ। अब मैं अगर आपको मैं हायर लेवल बता दूँ कि ये ORG स्टार्ट स्टार्ट हुआ, ये फॉरएवर लूप है, यहाँ पर एस जंप है, यानी कि इस फॉरएवर लूप के अंदर हमेशा आप बैठे रहो। सबसे पहले क्या करना है, पहले क्लियर करना है पोर्ट 1.0 को, और फिर ए कॉल जो होता है वो क्या होता है, वो फंक्शन कॉल के लिए होता है, यानी जो मैं फंक्शन क्रिएट किया है उसको कॉल करने के लिए। ए कॉल डिले, डिले जो है वो फंक्शन का नाम है, इसको मैंने कॉल किया, फिर मैं यानी कि वो थोड़ा सा मुझे डिले दे देगा फंक्शन। उसके बाद मैं इस पोर्ट को सेट कर रहा हूँ और फिर दोबारा डिले को कॉल कर रहा हूँ और फिर दोबारा जंप कर रहा हूँ इस फॉरएवर के ऊपर, ठीक है। तो अब ये मेरा लूप क्या काम करेगा कि पोर्ट को पहले क्लियर करेगा, फिर कुछ डिले देगा, फिर सेट करेगा, फिर डिले देगा और फिर दोबारा ये काम स्टार्ट कर देगा। ऑलराइट, अगर मैं डिले नहीं दूंगा तो ये लाइट इतनी तेज ब्लिंक करेगी कि आपको नजर ही नहीं आएगी। ऑलराइट, तो ये डिले का फंक्शन क्या काम कर रहा है, डिले के फंक्शन का क्या क्या होता है फॉर्मेट, कि एक आप उसको लेबल देते हैं और आखिर में आपने इसको रिटर्न देना होता है, ठीक है। डिले और आखिर में रिटर्न, ये इसकी मेजर चीजें। बीच में मैंने क्या किया, एक मैंने वेरिएबल, एक मैंने याद है हमने रजिस्टर्स के बारे में बात की थी जो कि जनरल पर्पज रजिस्टर्स होते हैं R0 से R7, उसमें से मैंने एक रजिस्टर उठा लिया जो मुझे अच्छा लगता है और उसके अंदर मैंने मैक्सिमम वैल्यू डाल दी है, ठीक है। ये 8 बिट का रजिस्टर है, इसके अंदर मैंने 255 डाल दिए, ठीक है, मैक्सिमम नंबर डाल दिए। फिर मैंने एक लेबल क्रिएट किया यहाँ पर, लेबल आउटर लेबल, और उसमें मैंने क्या किया, मूव R1 255, मैंने R1 के अंदर भी 255 डाल दिया। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, लेट मी टेल यू, मैं आपने अगर नेस्टेड लूप्स पढ़े सी में, नेस्टेड लूप्स,
जो एक लूप के अंदर एक और लूप डाल देते हैं पढ़े में, वेरी नाइस। और अब ऑलमोस्ट खत्म हो गए हम इसको। आई गॉट द रिमाइंडर, थैंक यू। ओके, सो ये हम नेस्टेड लूप क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया है, ये मैंने एक लेबल डिफाइन कर दिया है, और इस लेबल के अंदर मैंने एक और छोटे वेरिएबल आर वन को मैंने मैक्सिमम वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया। और मैं ये करूँ ये डी जे एन जी, डी जे एन जी से क्या बनता है जरा गौर करें, डी जे एन जी, डी जे से बनता है डिक्रीज जम्प इफ नॉट जीरो, यानी कि डिक्रीज करो जो भी आर वन में पढ़ा हुआ है और उसको डिक्रीज करो, यानी को इसको डिक्रीमेंट करो। अगर उसकी वैल्यू 255 है तो एक पहली दफा में इसकी वैल्यू हो जाएगी 254, एक वैल्यू कम करो, डिक्रीज करो, और करो इफ नॉट जीरो। अगर ये आर वन की वैल्यू जीरो नहीं हुई है तो जंप करो, कहां जंप करो, इस लेवल के ऊपर। आई विल टेल यू अगेन, ये इंस्ट्रक्शन क्या काम कर रही है, डिक्रीज जंप इफ नॉट जीरो, यानी कि ये जो वेरिएबल आगे दिया हुआ है इसको डिक्रीज करो, और अगर ये जीरो नहीं हुआ तो जंप करके दोबारा इधर चले जाओ। तो ये फंक्शन क्या काम करेगा, ये वाली इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन कितनी दफा एग्जीक्यूट करेगी, कौन बताएगा मुझे, पहली दफा जब आएगा, हाउ मेनी टाइम्स बिफोर इट बिकम जीरो? 256। हाँ, गुड, वेरी नाइस। तो जब इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये क्या करेगा, तब ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में आएगा यहाँ पर, ये वाली इंस्ट्रक्शन क्या कह रही है, ये कह रही है डिक्रीज जंप इफ नॉट जीरो आर टू। अब ये आर टू को डिक्रीज करेगा, और जब तक आर टू जीरो नहीं होता ये जंप आर टू को डिक्रीज करेगा और आउटर पे चला जाएगा, ठीक है। आउटर पे चला जाएगा तो उस यहाँ पर क्या होगा, आर वन की वैल्यू को दोबारा 255 डाल देंगे, ठीक है। यही नेस्टेड लूप, इस पर गौर करें, दिस इज नेस्टेड लूप। ये मेरे पास एक लूप है, ये मेरे पास इनर लूप है, ठीक है। यहाँ पर ये इनर लूप की वैल्यू 255 से इनिशियलाइज हो रही है, ठीक है, और ये 255 दफा चल गया, 256 दफा, ठीक है। जब ये यहाँ पर आएगा तो ये क्या करेगा कि आर टू की वैल्यू को वन एक माइनस करेगा। आर टू की वैल्यू पहले क्या रखी थी हमने, 255, ये 255 थी। अब जब हमने इसको डिक्रीज किया तो इसकी वैल्यू 254 हो जाएगी। जो 254 होगी तो ये जंप करेगा, जंप करके कहाँ जाएगा, आउटर पे चला जाएगा, आउटर पे, आउटर पे जाएगा तो R1 की वैल्यू को दोबारा 255 कर देगा। दोबारा 255 करेगा तो ये फिर दोबारा 255 दफा चलेगा, दोबारा 255 दफा चलेगा, फिर यहां पर आएगा, फिर इसको 254 से 253 कर देगा, और फिर इसको R1 को दोबारा 255 कर देगा। तो ये 255, ये जो हम क्या कर रहे हैं असल में, दिस वी आर डूइंग 255 कैसे दोबारा कर देगा, 255 टाइम्स 255। देखें यहाँ पर, देखें कॉल करें, ये देखें, सबसे पहले यहाँ पर आया आपके पास R2 की वैल्यू क्या हो गई, मैं देखता हूँ, R2 equals to 255, ठीक है। यहाँ पर आ गया तो आपके पास R1 की वैल्यू क्या हो गई, R1 equals to 255, क्लियर है यहाँ तक बात? यस सर। और यस सर, अब यहाँ पर आएंगे तो ये वाला लूप कितने दफा चलेगा, जब तक R1 जीरो नहीं होती, तो वो 256 का लेते हैं, ठीक है, 256 टाइम चलेगा, ठीक है, बल्कि 255 टाइम चलेगा, क्योंकि जीरो तक चलेगा ना, जीरो तक चलेगा, तो 255 टाइम चलेगा, मेरे ख्याल से 255 टाइम चलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो इस इंस्ट्रक्शन के ऊपर आएगा और R2 की वैल्यू को कम कर देगा। R2 की वैल्यू जब तक जीरो नहीं होगी, वो यहाँ वो रिटर्न पर नहीं आएगा, रिटर्न पर तब आएगा जब R2 की वैल्यू जीरो हो जाएगी। R2 की वैल्यू जीरो तो नहीं, R2 की वैल्यू क्या है अभी, 255, सही है। अब क्या हो जाएगी, इस इंस्ट्रक्शन के बाद R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 254, R2 की वैल्यू निकल गई 254, ठीक है। अब वो दोबारा यहां पर आएगा और R1 की वैल्यू तो यहां पर जीरो हो चुकी थी ना, जब यहां पर आए थे तो R1 की वैल्यू जीरो जीरो हो चुकी थी, है ना, जब इसने 255 दफा चलाया तो R1 की वैल्यू जीरो हो गई थी। अभी R1 की वैल्यू को दोबारा 255 कर देगा, ठीक है, यस सर। जब दोबारा 25 कर देगा फिर इस इंस्ट्रक्शन में आएगा और ये इंस्ट्रक्शन फिर दोबारा कितने दफा चलेगी, 255 टाइम्स, ठीक है, यहां 255 टाइम चलेगी। फिर उसके बाद यहां पर R1 की वैल्यू अब दोबारा जीरो हो गई है, जब तक ये चल गए यहां पर, ठीक है। अब दोबारा यहां पर आएगा और R2 की वैल्यू को एक कम कर देगा, तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 253 हो जाएगी, 253 हो गई। अब ये यहां पर आएगा, अब दोबारा R1 की वैल्यू को क्या कर देगा, ये 255 कर देगा सर, 255, और फिर दोबारा इसको 255 दफा चलाएगा, एक और दफा चलेगा 255 टाइम,
ठीक है। सर इसी को अगर इनफाइनाइट टाइम चलाना हो तो फिर क्या करेंगे? इनफाइनाइट टाइम चलाएंगे तो आपकी एलईडी फंस जाएगी, वो कभी ऑफ ही नहीं होगी। आप इसको और बड़ा कर सकते हैं कि आप इसमें आपको तीन, आप इसके अंदर एक और वेरिएबल इस्तेमाल कर लें। तो आप सर अभी जो हमारे पास जिस तरह सी में वाइल लूप लग जाती है उसके अंदर वन लगा दो इनफाइनाइट टाइम वो लूप चलती रहती है, इसमें नहीं होता आप समझ लेंगे? है ना, हमने किया हुआ ये देखो, जो हमने ऊपर किया हुआ ये देखो इनफाइनाइट फॉरएवर लूप है ना, ये देखो एस जंप फॉरएवर, हमें जो एक एक आपने एक हमने एक लेबल बना लिया है और हमने कर दिया एस जंप, जब भी यहाँ पर रहेगा ये चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा, ये आपका फॉरएवर लूप ही बनाया हमने, वाइल वन लूप है ये जो हमने लूप बनाया ऊपर ना, दिस इज अ वाइल वन लूप। सही है सर, सही सही है। अच्छा अब ये जो है ये दिस इज 255 मल्टीप्लाइड बाय 255, ये बस समझ में आया कि नहीं ये बताओ मुझे? यस सर आ गई है। ऑल राइट गुड। अच्छा अब हम जब ये 255 दफा हो जाएगा, ये जब इतनी दफा हो जाएगा तब ये आर टू की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी और वो रिटर्न के ऊपर आ जाएगा और रिटर्न से वापस इस इंस्ट्रक्शन पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब है ये जो डिले है ये हमारे पास हमें कितना डिले दे रहा है, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 25, अगर अगर मिसाल के तौर पर मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये एक इंस्ट्रक्शन कर रहा है फिर दो इंस्ट्रक्शन, लेट्स से ये दो मशीन साइकिल ले रहा है, ठीक है, दो मशीन साइकिल अगर ले रहा है, अगर दो मशीन साइकिल ले रहा है तो एक मशीन साइकिल जो है वो 1 माइक्रोसेकंड का है, ठीक है, 1 माइक्रोसेकंड का एक मशीन साइकिल, अगर दो मशीन साइकिल ले रहा है तो उसका मतलब है 2 माइक्रोसेकंड, 2 माइक्रोसेकंड इंटू 255 इंटू 255, ये निकालो ये कितने माइक्रोसेकंड या कितने मिलीसेकंड बनता है, कितना डिले हमें मिल रहा है, 2 माइक्रोसेकंड मल्टीप्लाई बाय 255 मल्टीप्लाई बाय 255, तो इतना हमें तकरीबन, मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता रहा क्योंकि यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कौन सी इंस्ट्रक्शन कितना टाइम लेती है, तो आई एम नॉट टॉकिंग डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली तकरीबन इतना टाइम लेगा। यहाँ तक बात क्लियर, कोई शक? आपको आपको मैं ये कोड कोड चलाकर दिखाता हूँ, सही है, लेट मी जस्ट बिल्ड दिस कोड, बिल्ड टारगेट, जीरो एरर जीरो वार्निंग्स, अब हम गए प्रोटियस में, अब मैंने स्कोर चेंज करना है इसका, डबल क्लिक किया मैंने इसको, इसकी हेक्स फाइल, अब मैं T5 चलाऊंगा यहाँ पर, मैंने लेट मी ओपन द हेक्स फाइल, T5 खोली ऑब्जेक्ट के अंदर, ये T5 हेक्स फाइल, ठीक है, अब जब मैं इसको रन करूंगा तो इसको ब्लिंक करना चाहिए। ऑलराइट, आ रही आप लोगों को ब्लिंक, ब्लिंक करते हुए नजर आ रही? यस सर ब्लिंक कर रही है। यस सर। ऑलराइट, तो ये हमारे पास बेसिक सर्किट था ब्लिंक करने का, हम इससे ज्यादा बेहतर तरीका ब्लिंक करने के लिए हम टाइमर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो इंशाल्लाह किसी और क्लास में।